14th of September को आ रही है, ह्यूज रिस्पॉन्स मिल रहा है, चाहे हम ट्रेलर की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर. अभी हमने कुछ दिन पहले देखा फिल्म गई थी, लोगों ने अप्रिसिएट किया था. जब भी फिल्म कोई आती है और आने से पहले इतनी सारी पॉजिटिविटी होती है, तो एज एन एक्टर एज एन प्रोड्यूसर क्या कुछ फीलिंग होती है आप लोगों की फिल्म को लेकर? सो ऑल ऑफ लेडीज बेहद खुशी है कि इस फिल्म के ट्रेलर को इतना सराहा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट हर किसी तक पहुंचना चाहिए और वी आर वेरी हैप्पी जिसके लिए हम सब ने हमारे डायरेक्टर ने कई साल खून पसीना बहाया है इसके लिए. और आई थिंक वी डिज़र्व ऑल द अप्रिसिएशन दैट वी आर गेटिंग, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की. बहुत अच्छा लग रहा है कि ट्रेलर को जिस तरह का ऑडियंस ने रिस्पांस दिया है, ऐसे लग रहा है कि अब जो ये हमारी जो ऑडियंस है वो इस तरह के विषय के लिए कंटेंट के लिए तैयार है. जिस तरह से ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, अब तो लग रहा है कि इस पिक्चर को भी और जिस तरह से हमने फिल्म बनाई है, जिस भावना से बनाई है, वो लोगों तक ज़रूर अच्छी तरह से पहुंचेगी. आई विश कि पहुंचेगी. मृणाल जी, डेब्यू मूवी के साथ में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हैपनिंग हो रही है, क्या टेक होता है आपका, क्या फीलिंग होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क एंड द ट्रेलर. अगर आप मुझे पूछेंगे फीलिंग के बारे में, सो आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम नर्वस, क्योंकि वर्किंग विद एन अमेजिंग स्टार कास्ट एंड ऑलमोस्ट ऑल्सो मिस्टर रसल पकोटी हु हिमसेल्फ इज एन अकेडमी अवार्ड विनर, तो इन लोगों के साथ काम करने का एक मज़ा ही अलग है, क्योंकि अपने साथ दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. और ये फिल्म सिर्फ मुंबई या इंडिया के लिए नहीं है, दिस फिल्म इज़ फॉर द इंटायर ग्लोब, फॉर द इंटायर नेशन. वी नीड टू नो व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वी नीड टू नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वी नीड टू स्टॉप दैट, वी नीड टू रेज अ वॉइस. और फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए तो बनती है, लेकिन ऐसी भी फिल्में होना ज़रूरी है, क्योंकि पीपल नीड टू नो. हम जो रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ बबल जहाँ पे हम सोचते हैं कि मुझे लग्जरी घर खरीदना है या मुझे गुची या प्राडा के प्रोडक्ट्स पहनने हैं या खरीदने हैं, बट वी नीड टू फाइंड आउट कि लोगों की क्या हालत है, वॉट आर विमेन गोइंग थ्रू. एंड दिस थ्रू दिस फिल्म आपको दो बहनों की एक बहुत सुंदर केमिस्ट्री देखने को मिलेगी. बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू माई सिस्टर, आई कुड रिलेट टू दिस फिल्म. और जब मैंने ऑडिशन दिया, सो आई फेल्ट लाइक येस आई हैव टू डू दिस फिल्म. एंड एज एन एक्टर आपके पास वो प्रिविलेज होता है टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट द गर्ल्स हु बीन ट्रैफिक्ड. सो मेनी गर्ल्स एवरी डे गेट ट्रैफिक्ड. कहाँ जाती है लड़कियाँ, क्या होता है उनके साथ, ये जानने के लिए वॉट अवेयरनेस नीड्स टू बी टेकन ऑफ, पीपल शुड वॉच दिस फिल्म. जी जी, मैं सोनिया का किरदार निभा रही हूँ लव सोनिया में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेरे लिए बिकॉज इट्स माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, माई बेबी प्रोजेक्ट. होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेन यू डू द होमवर्क, वेन यू यू नो डू योर टेस्ट, अभी पता चलेगा कि मैं एग्जाम में पास हुई हूँ. थैंक यू सो मच. विद फ्लाइंग कलर्स लाइक साई सेड लास्ट टाइम. सो हाँ जी, सो व्हाट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी वाज द वर्कशॉप्स. हम मैं और रिया जो मेरी बहन प्ले कर रही है, हम सोनागाछी गए, वहाँ पर लड़कियों के साथ कुछ वक्त गुजारा. दे आर वेरी फुल ऑफ लाइफ, बहुत ही नॉर्मल गर्ल है, देखने को देखा जाए तो दे आर वेरी नॉर्मल, बट अंदर ही अंदर उनकी क्या जर्नी है, व्हाट ऑल दे हैव गॉन थ्रू. दे ओपन्ड अप, बहुत टाइम लगा उनसे बातचीत करते वक्त ओपन, जब वो ओपन नहीं हो पा रही थी, सो वी थॉट कि वी टोल्ड देम कि यू नो हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिनकी स्टोरी आपसे रिलेटेड, यू नो वी आर ट्राइंग टू मेक अ फिल्म जिससे लड़कियाँ इंस्पायर होगी. और अगर कोई इफ समबडी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम टू कोप अप विद लाइफ, कुछ कुछ लड़कियाँ आफ्टर दे गेट ट्रैफिक और वो बच भी जाती है, सो दे एंड देयर लाइफ, बट दिस इज लाइक अ रे ऑफ होप एंड वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड दैट विद देम. सो दिस इज द मेन इंटेंशन ऑफ दिस फिल्म. सही जी, आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी. मैं अंजलि का किरदार निभा रही हूँ लव सोनिया में. अंजलि एक बहुत ही खतरनाक लड़की है जिसके साथ आप फ्रेंडशिप नहीं करना चाहोगे. ऐसा एजी और थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर मुझे पहली बार कह सकते हैं आई गॉट टू प्ले अंजलि, और बड़ा ही मज़ा आया क्योंकि
रियल लाइफ में मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ और मुझे पता है and it is not every day that you get to play such characters. तो अंजलि एक बहुत ही खतरनाक और इंटरेस्टिंग औरत है जिससे आप मिलेंगे 14 सितंबर को. जी हाँ, रियल लाइफ में ऐसा कोई खतरनाक काम आप करती हैं जिससे सभी को दूर रहना चाहिए, आपके फैमिली मेंबर या सारी दुनिया वालों को ऐसा लगे कि नहीं? ट्रोलर्स को रहना चाहिए दूर, क्योंकि मैं ट्रोल्स को बहुत ट्रोल करती हूँ. हाँ. और ट्रोल्स की जितनी औकात है उतनी औकात मैं उनको देती हूँ. तो आई थिंक हाँ, ट्रोलर्स को मुझसे बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए इस फिल्म के लिए. तो और बच के नहीं, जिंदगी भर. क्या